आमंत्रित करूंगा निवर्तमान महिला अध्यक्ष अरुण जैन साहब को कि कृपया आए और अपना आशीर्वचन हमें देने का कष्ट करें। हमारे लिए गवर्नर अपना चार्ज भाई चंद्रकांत जी भी आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ बैठे हुए। सर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है कि अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने अपनी डायरेक्टरी रिलीज की है जिसमें सारे उनका ब्यौरा है और थैंक यू वेरी मच। वो है कि जो वो करीश भाई अगले आसान पर करेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है अगले तीन से पैसठ चलता है। और सब सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जिससे गवर्नर महोदय खासतौर से जरा सा आप क्लब के ऐसे गवर्नर साहब दिखाई दे रहे आगे नहीं आ गए हंड्रो साहब आगे आइए इसके पीछे बैठे आपका बहुत बड़ा स्वागत है हार्दिक अभिनंदन। आगे आइए ताकि क्लब और ऊंचाइयों पे पहुंचे और राम के साथ आप भी अपनी पिन चेंज करेंगे। अभिनंदन करते हैं आप हमारे सहायक मंडलाध्यक्ष महोदय हैं आपका स्वागत है। हमारे लिए मुख्य सचिव मुख्य मंडलीय सचिव श्रीमान प्रेम शंकर जी आ चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। श्रीमान आलोक कुमार मुख्य मंडलीय सचिव आपका भी सारा हार्दिक स्वागत है। दिलीप श्रीनिवासन जी मुख्य मंडलीय सचिव हैं सर आपका भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। बोर्ड ऑफ हेल्थ के लिए मैं आमंत्रित करूँगा बिना खंडेल का आप सबके के आए और जिसके गवर्नर महोदय से अपनी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी ले सुनील शर्मा जी कहते आए संजीव दुबे जी कृपया दोनों ने उधर अपनी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी ले लीजिए। भारतेंदु शर्मा जी और पवन कुमार खंडेलवाल जी कहते आए और अपनी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी ले लें। आज केवल मंडलाध्यक्ष महोदय ने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी देने का बीड़ा उठाया है। बाकी सबके वो कह रहे हैं आज रोटरी क्लब के प्रोग्राम में आप आए थे कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे? रोटरी क्लब के प्रोग्राम में पिछले 5-6 साल से लगातार आता हूँ और इसीलिए आता हूँ कि इन लोगों में रोटरी के द्वारा जिस तरह से गरीबों को असहाय लोगों को जो सेवा की जाती है बहुत से गरीब ऐसे जो इनके बच्चों का इलाज नहीं हो सकता है दिल में छेद है ऐसे बच्चों को बहुत सारी लोगों के इलाज अच्छे हॉस्पिटल दिल्ली में कराते हैं लोग। ये मुझे बड़ा प्रभावित करते हैं कि इस बात से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ कि ये ऐसी संस्था है कि जो वाकई गरीब लोगों के काम करती है। और क्या कुछ नया है करेंगे इस बार? देखिए ये राइट फ्रॉम रोटरी इंटरनेशनल टू प्रेसिडेंट लेवल जी ये हमारी परंपरा है और ये हमारा एक तरीका है कि हम लोग 1 जुलाई को हमारे चार्ज हैंड ओवर हो जाते हैं और हम लोग 365 दिन कार्य करते हैं। आज का दिन ये है कि जिस दिन हम लोगों ने 8 क्लब्स को यहाँ पर बुलाया है बरेली में 30 क्लब्स
मंडल में 126 क्लब्स हैं और हम लोग का जो रेवेन्यू एरिया है वो है झांसी से केदारनाथ, ये एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, सॉरी 29 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को मिला के ये एक डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से लेकर और ये जो जोन जो कहलाती है बरेली जोन है, और बरेली जोन में आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, इस मंडल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हमने इस तरह के कार्य किए हैं। 7th को हमारा सेम यही कैंप आगरा मंडल में है और उसके बाद 14 तारीख में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप। नेक्स्ट स्टेप क्या है ब्लड डोनेशन के बाद? देखिए हमारे वर्ष भर के कार्यक्रम हैं, हम लोग जिस तरह से जो अपने कार्यक्रमों को ड्रॉ करते हैं उनके आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, इस टाइप के काम हम लोग करते हैं जो समाज के लोगों के पास जो डिस्पैरिटीज हैं या जिनके पास कम है उनके लिए हम लोग ये काम करते हैं। पोलियो में हम लोगों ने बहुत काम किया, आपको मालूम है कि पोलियो प्रोग्राम, जैसा कि इस बार अभी विधायक जी ने कहा कि आप ग्रामीण गाँव में जाके, ऐसा है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तब हम फीमेल एजुकेशन पे हम मेन एम्फेसिस करते हैं, अगर घर में कोई बेटी पैदा होती है समझिए एक माँ पैदा होती है, समाज पैदा होता है उसके बाद समाज का निर्माण, ये बड़ी मेन एम्फेसिस है। रोटी का ये फीमेल टीचर्स पे एक कार्यक्रम है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जो सैनिटरी वेंडिंग मशीन है, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हैं, हम लोग डिफरेंट स्कूल्स में बना रहे हैं, हैप्पी स्कूल्स बना रहे हैं, ई लर्निंग स्कूल्स बना रहे हैं, वहाँ वॉश स्टेशन बना रहे हैं, वहाँ टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। उससे हमने देखा कि 40% जो पॉपुलेशन है